आज का हमारा क्वेश्चन है 250 का 14% प्लस में 150 का x प्रतिशत 140 है, तो इसके अंदर हमको x का मान बताना है। तो हम यहाँ लिखें का मतलब आपको पता है कि गुणा होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे 250 का मतलब गुणा 14% है, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे। फिर प्लस में 150 का मतलब फिर गुणा x प्रतिशत है, x बटा 100 इक्वल में 140 दिया हुआ है, तो 140 लिखेंगे। यहाँ पर हमको x का मान निकालना है। एक जीरो के साथ एक जीरो कट कर दी, एक जीरो के साथ एक जीरो कट कर दी। अब 5 से कट करेंगे, 5 5 25, 5 2 10, इसको भी हम 5 से कट करेंगे, 5 3 15, 5 2 10, तब हमारे पास बच गया। अब इसको 2 को इससे कट करेंगे 7 पे, तो यहाँ हमारे पास बच गया 5 7 35, 5 की और 7 की गुणा की। फिर प्लस में 3xy2, 3xy2 इक्वल में बच गया हमारे पास 140। अब यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद हम क्या, हमारा एलसीएम आया 2। अब इसकी गुणा इसके साथ करेंगे, 35 2 70 प्लस में 3x इक्वल में 140 है। हम क्या करेंगे, अब इस 2 को इस साइड ले आएंगे, तो हमारे पास रहेगा 70 प्लस में 3x इक्वल में 140 गुणा में 2 हो जाएगा हमारे पास 280। ये 70 है, उस साइड में जाके माइनस हो जाएगा, 280 माइनस 70, तो हमारे पास बचेगा 210। इधर 3x है, इधर x रख लेंगे, तो 210 बटे 3 हो जाएगा, 3 7 21, 0 की 0 70, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। x का मान हमारा है 70, यहाँ पर 70 है। हमारा अगला क्वेश्चन है 550 का x प्रतिशत माइनस में 150 का 12% इक्वल टू 125 दिया हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे, 550 का मतलब गुणा x प्रतिशत है, x बटे 100, प्रतिशत का 100 नीचे आ गया, माइनस में 150 का मतलब फिर गुणा, यहाँ पर 12% दिया हुआ है, 100 कर लेंगे, इक्वल में 125 कर लेंगे। अब इसको हम कट करेंगे, यहाँ से 0 से 0 कट कर दी, और इसको 5 से काटेंगे 11 बार, और इधर 5 से काटेंगे 2 बार, यहाँ 0 से 0 कट कर दी, 5 से कट करेंगे, 5 3 15, 5 2 10, 2 को इससे कट करेंगे 6, तो हमारे पास यहाँ बचा है 11, और x की गुणा कराएंगे तो 11x बच जाएगा बटे में 2, यहाँ माइनस का निशान है, यहाँ बचा 3 6 18, इक्वल में हमारे पास क्या है 125। यहाँ एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम हमारा है 2, इधर है 11x, इधर हो जाएगा 18 2 36, इक्वल में 125 दिया हुआ है, तो इस 2 की गुणा इस साइड करेंगे हम, 11x माइनस 36 इक्वल टू 125 2 250 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 36 को उस साइड में ले जाकर जोड़ कर देंगे, तो जोड़ करेंगे तो इधर रह जाएगा 11x, उधर हो जाएगा 250 प्लस में 36। अब हम इसको जोड़ करके लिखेंगे तो हमारे पास आएगा 286 इधर है 11x। अब x को इधर रहने देंगे, इधर 286 बटे 11 करेंगे, तो 11 2 22 बचे 6, 11 6 66, x इक्वल टू हमारे पास आया 26, यही हमारा आंसर है।